ओ मेरी निम्मो दे टुकड़े टूट के बिखरे, हाय हाय हाय। ओए मेरी डार्लिंग, मेरा लव, तुम्हें क्या हो गया? ओए ओए, बस सदके जाओ। ओए ओए, ये क्या हो गया यार? ओए होए 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 होए, देखती आंखों सुनते कानों को लिए स्लान का। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। मेरे साथ आज बैड लक हुई है कि मैं घर से निकल रहा था तो निमो डार्लिंग जो है ना वो गेट से थोड़ा सा टकरा गई, गेट थोड़ा सा ऐसे वापस आ गया, तो जो साइड वाला मिरर होता है ना, शीशा सजे वाला जिसे आप पीछे मुड़ के देखते हैं, तो वो लगा गेट के साथ। तो मेरा ज़रा ध्यान जो था ना वो इधर उधर था, माफ़ करना ज़रा इधर उधर निकल जाता हूँ। मतलब मैं स्ट्रेट देख रहा था ना तो गाड़ी थोड़ी स्लोपी सिचुएशन में थी, तो वो फिर जो है ना उससे टकराया और साइड वाला शीशा उसका ना टूट गया, सत्यानाश हो गया। आप लाइक और सब्सक्राइब पहले करें। अब मैं तो ये सोच रहा था कि व्लॉग शुरू करते हैं और साथ ही ख़त्म करते हैं, क्योंकि क्या कहते हैं प्रोग्राम बढ़ गया, लेकिन प्रोग्राम बढ़ा नहीं है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। ऐसी छोटी छोटी बातें बड़े बड़े शहरों में होती रहती हैं। गर्मी जो है सर्दी से एकदम शदीद तप चुकी है और मेरा रंग जो है ना वो सत्यानाश हो गया। इसका सन ब्लॉक लाना था लेकिन टाइम नहीं मिल रहा, मतलब चक्कर नहीं लगा किसी अच्छी जगह से अच्छा सा सन ब्लॉक लूँ, तो स्किन मेरी जो है ना ये भी बिल्कुल बढ़ चुकी है। सब कुछ हर चीज़ ना बस क्या बताऊँ आपको, तबाह है, ख़त्म है। तो ये निमो डार्लिंग है और ये देखे, ओए होए, ये देखे ये क्या हो गया इसको। तो ये उस वाले गेट के साथ ना इसने क्या कहते हैं इसको रोमांस किया है और फिर ये इसका हाल हो गया। आपको पता है ज़्यादा रोमांटिक नहीं होना चाहिए। अब गेट और इसका, वैसे तो मेरा और इसका रोमांस चल रहा था लेकिन इसने आज जो कोशिश की वो ये की कि गेट के साथ इसने रोमांस करने की कोशिश की और ये देखे फिर क्या असर होता है। फिर अब इससे पूछें कि समझ गई हो या अभी समझ नहीं आई। अब मेरे जैसा लॉयल हॉनेस्ट जो है बंदा तो नहीं मिलता ना हर जगह, कभी कभी जख्मी भी हो जाता है इंसान। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। खैर इंसान तो नहीं है ये, मेरा मतलब है कि ये गाड़ी। तो अब सीन ये है कि ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये उसके साथ टकराया उस जगह ना, तो पता नहीं अब इधर, हाँ मैं आपको दिखाता हूँ, प्लास्टिक भी गिरा है। मैं कहीं गया हुआ था, वापस आया हूँ, अभी चेंजिंग वगैरह की है। ये देखें, हाय मेरी निमो दे दिल दे टुकड़े, खिरची खिरची होए, ये देखें, ओए होए होए होए, क्या हाल हुआ है। एक टुकड़ा जो है ना ये गिरा है, तो अब इसका कुछ हो तो नहीं सकता, तो लिहाजा ये नया ही लगाएंगे। तो बहरहाल अब क्या बताऊँगा आपको फिर आज मेरा मूड कैसा होगा। ओए होए 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 होए, चेक करें आप अंदर कितनी डस्ट है। हाय मेरी जानू, मेरी डार्लिंग, ये क्या हो गया तुम्हें? ओए मेरी डार्लिंग, मेरा लव, तुम्हें क्या हो गया? और एक बात और सुन ले आप लोग, जितने रिश्तेदार और फ्रेंड्स तो खैर मुझे कॉल करते हैं, रिश्तेदार क्या करते हैं, व्लॉग रील्स वीडियोस ऑनलाइन देखते हैं, कमेंट घर आके करते हैं। ओहो हो, क्या हो गया भाई? बता रहा हूँ क्या हो गया, गेट के साथ टकरा गई है, गौर से सुन लो भी, समझ लो, फिर कॉल्स पे तंग नहीं करना। तो बस अल्लाह माफ़ करे, कोई बचत हो गई है, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, तो बस ये साइड वाला मिरर डैमेज हुआ है, तो इसका कवर मेरे पास पड़ा हुआ है, उसको मैं सेट कर लूँगा। तो ये मुझे न्यू लाना पड़ेगा और न्यू ला के तो फिर इंस्टॉल करूँगा। अभी थोड़ी देर बाद जाता हूँ, देखता हूँ यार ये बुरी लग रही है ला के। आपको पता है निमो के साथ मेरा लव भी बहुत ज़्यादा है, रोमांस। तो फिर उसके बाद जो है ना अभी बाइक पे जाऊँगा, तो जो सुल्तान का खूह है वहाँ पे मार्केट है, उधर से जा के ना इसका सामान वगैरह ला के तो फिर इसको ओके करूँगा। मस्त प्लान है। अब आप खुद देख लें एक साइड से माशाल्लाह कैसी लग रही है, थोड़ी डस्टी डस्टी हुई है, अब इसको सेट करके ही वॉश करवाऊँगा, और दूसरी साइड से देखें कैसी हुई है। ये तो वही हाल हो गया, अगर खुदा ना खास्ता बंदे का एक कान हो दूसरा कान ना हो तो। बहरहाल यह नज़र वट्टू सही है, ये देखें, ओए होए 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 होए, क्या बैड लुक दे रही है। आए ओए मेरी जान, मेरा लव। गाइस सीन यू है कि आपको बताया था साइड वाला मिरर डैमेज हो गया तो मैं लेने जाऊंगा, खैर मेरा चक्कर बच गया, मुझे नहीं जाना पड़ा। कज़न को मैंने कॉल की तो वो उधर ही था, तो फिर मैंने अपने मैकेनिक को बताया, उसने ये लिया, और कज़न से मैंने कहा जाके, क्योंकि उसको इतना नहीं पता, शॉप से जाके ले आना। वैसे कॉल पे मेरी बात हुई थी मैकेनिक साहब से, ये जो होता है जेन्युइन भी मिलता है
और टोयोटा से ये मंगाया है, कीमत आपको बता दूँ, आपके पास कौन सा नंबर डालेंगे, मैं क्या करूँगा आपको बता के। बाकी अगर किसी ने पूछना हो या कितने का मिला है, कमेंट्स में मुझे मैसेज करे, मैं उसको बता दूँगा। तो बहरहाल ये मैंने मंगा लिया है, अभी मैं ख़ुद इसको ना इंस्टॉल करूँगा, मुझे लगाना आता है। छोटे मोटे काम गाड़ी के अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद ही कर लेता हूँ, मतलब बिल्कुल स्टीयरिंग ड्राइवर नहीं होना चाहिए। हाँ कभी कभी कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जाती हैं, कोई मसले मसाइल हो जाते हैं जो नहीं समझ आते, तो लेट्स गो, शुक्र है ये वो ले आया है कि अब मेरा चक्कर बच गया है, अभी मैं इसको लगाऊं। और क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, बहुत बुरी लग रही है गाड़ी। सीन ये है कि अभी इसका ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, ये एक ग्रिप उतरेगी, ये वाली ग्रिप उतरेगी, और ये तीन पेच लगे हुए हैं इसके, तो ये खुलेंगे और ये ग्रिप उतरेगी और पूरी फिटिंग इधर आ जाएगी। और ये बैग से जो इसकी हंडी होती है ना कवर, वो अल्हम्दुलिल्लाह बच गया था, थोड़ा सा वो ऑलरेडी पहले का डैमेज है, वो एक दफ़ा बाइक वाले ने हिट किया था साइड से इस जगह से। तो अक्सर बाइकर्स जो है ये ख्याल नहीं करते, इधर से स्पीड से गुजरते हैं, तो ये बहुत महंगा है, यकीन माने ये ना जेन्युइन अच्छा 7 से 10 हज़ार में पड़ता है ये, सिर्फ ये वाली जो ओरिजिनल है ना 2 हज़ार पे की है। तो बाइकर्स को अक्सर ख्याल नहीं होता, तो फिर कहते हैं बाद में हिट करने के बाद, यार हम गरीब हैं या वैसे भी अच्छा नहीं लगता, चले रोड पे चलती है तो हिट हो जाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वो ऐसे कटिंग करते हैं ना इधर उधर से पूँ पाँख कार के गुजरते हैं, तो फिर सत्यानाश कर देते हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला साहब को अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। तो अभी मैं ज़रा इसको ओपन कर लूँ, फिर आपको बताता हूँ। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? ये छोटे छोटे काम आपको इसलिए बताता हूँ, आप देखते हैं नक के कोके छल्ले छापा ठुमके देखते हैं, वल्गर किस्म के व्लॉग देखते हैं, देखें बाज है महंगाई है, देखें ऐसे काम हो जाते हैं, छोटे मोटे काम खुद सीखने चाहिए, बचत हो जाती है। तो ये देखें तीन मैंने यहाँ से पेज खोले हैं, ये उतर गया, अब ये ग्रिप उतारूंगा और न्यू फिटिंग करके तो फिर इसको बम्बू काट कर देंगे। ये ग्रिप आपको नज़र आ रही है ना, ये उतरती है, ये ग्रिप उतर गई है, तो अभी ये न्यू ग्रिप है इसकी, ये लगेगी ऐसे और फिर निमो के कान जो हैं बम्बू काट हो जाएंगे। अच्छा हमको सिखा रहा है? अच्छा ये न्यू इंडिकेटर मैंने ना फिट कर दिया, लेकिन अभी पहले इसको जला के देखेंगे, बाज़ औक़ात आप पूरी फिटिंग कर लेते हैं और चेक नहीं करते। अभी इसको स्टार्ट करता हूँ गाड़ी को और इंडिकेटर चला के देखता हूँ कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा। माशाल्लाह, बोलो सारे माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, चल पड़ा है। बस अब इसको फिट करते हैं, डबल भी एक दफ़ा चला के चेक कर लेता हूँ। अभी डबल चलाया है तो डबल भी चल रहा है और सारे चालू हैं, तो ज़बरदस्त हो गया है काम। अब चेक करें आप माशाल्लाह मेरी डार्लिंग की लुक। अच्छा कभी कभी हम छोटी मोटी वेयर एंड टीयर हो जाती है ना, तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, वो करते 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 ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये देखें अभी बस छोटा सा काम था, मतलब छोटा सा तो ज़ाहिर बात है थोड़ा सा लॉस तो हुआ है, लेकिन कभी कभी जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये अब मैंने चेंज कर दिया है, बैक साइड वाली जो है ना इसके ऊपर ब्लैक कलर का पेपर लगा हुआ है, तो वो ये थोड़ी थोड़ी ब्लैक है, तो अब कहीं अगर चक्कर लगा तो या तो उसका ऊपर से अभी पेपर उतार देता हूँ या फिर इसको भी ब्लैक करवा लूँगा, वैसे वाइट वाइट ज़रा अच्छी लग रही है। तो अब ये हो गया डन, थोड़ा सा अभी इसकी फिनिशिंग करनी है हल्का सा। ये जो साइड मिरर है ना, ये बहुत न्यू भी नहीं होने चाहिए, कुछ लोग बहुत लश पश रखते हैं, आजकल जो हालात बने हुए हैं ना, टायर उतार के ले जाते हैं, साइड मिरर उतार के ले जाते हैं, तो बहुत हैवी करने का ज़रूरत नहीं है। गाड़ी आप यस रखें मैकेनिकली, बॉडी का ख्याल रखें, गाड़ी का ख्याल रखें, तो लेकिन थोड़ा थोड़ा उसके साथ ना एहतियात भी बहुत ज़रूरी है। अब कहते हैं ना कि नज़रें वाकई लगती हैं, एवल्स आई होती हैं, तो बस सुबह सुबह कुछ यही सीन हुआ है, बड़ा बंद संवर के मैं निकल रहा था, तो फिर डज डुज होगी, लेकिन शुक्र है कि बस वो नज़दीक से ही काम हो गया है। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। मैं ते मेरा दिल पर जानी, मेरा मतलब है मेरी निमो डार्लिंग, लिखांगे प्रेम कहानी। लेकिन मैं सोच रहा हूँ ना, मेरा दिल बेजार हो गया, दुनिया की किसी चीज़ से ना बहुत ज़्यादा जब आप दिल लगाएंगे ना तो आपको उससे दुख मिलेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जेन्युइन सी बात है। तो बहुत ज़्यादा दुनियावी चीज़ों से दिल नहीं लगाना चाहिए। बाकी ये तो मेरा और निमो का हल्का फुल्का शुगल मेला चलता रहता है, तो अब इसने गेट के साथ रोमांस शुरू कर दिया है, तो वो अलग बात है, वो गेट थोड़ा सा ना ऐसे क्लोज हो गया था, तो बड़े चले कोई बात नहीं, वापस रूटीन पे आ गई है, अब इसको सर्विस सर्विस करवा के वाश वूश करवा के ना तो फिर चौकस कर देंगे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, चले कोई बात नहीं, ऐसे छोटे छोटे मामलात हल्के फुल्के चलते रहते हैं लाइफ में, तो टेंशन नहीं लेनी,
बाकी माशाल्लाह सुभान अल्लाह मेरी कारीगरी पे आपने लाजमी कहना है। तो फिर न्यू व्लॉग में मिलेंगे। लाइक सब्सक्राइब अभी आप ना करें तो आपकी मर्ज़ी है। देखिए मैं आपको कितनी टिप्स देता हूँ, कितनी अच्छी मालूमात देता हूँ, लेकिन फिर भी मर्ज़ी आपकी। आप जो देखना चाहते हैं वो भी इनक्रीब जो है ना, वो फिर उसका कोई सीन विन करेंगे और हैवी वाला करेंगे। फिर आप कहेंगे यार ये किस लाइन पर चला गया है। एनी ऑल अरसलान इज ऑफिशियली नो साइनिंग आउट पर न्यू व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।